भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश में सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहिरों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही थी। नदियों के जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छ से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं तो भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करती हुई वह बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बिया अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे और सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियों अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से बढ़कर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समूह के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निश्चित चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा से 16 फलाव से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वासुदेव ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। चार सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य विदुर मणि के किरीट और कुंडल की क्रांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभामान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग में अनोखी छटा छटक रही है। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उस समय रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उस समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग क्रांति से सूतिका ग्रह को जगमगा कर रहे थे। जब वासुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। वासुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया हूँ कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद है। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही स्वर्ग के आदि और आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महत्त्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तभी तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रियादिक 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट
से जान पड़ते हैं, परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों को ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों को ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इस कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं, आप और परामर्थ सत्य आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है और न भीतर। फिर आप किसी में प्रवेश करेंगे, इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये दिए गए आदि सभी पदार्थ वाग्म विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। हरे नमः। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं और गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही है। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रचदान रक्तवर्ण सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्णवर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आप मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उस सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इससे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे। वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बताया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विश्लेषण रहित अनिवर्चनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं ही हैं। हरे नमः। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु दो परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकारों से अहंकार, महतत्व से महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु निवेश से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों से विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान
और परम कल्याण के आश्रय है। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभो, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप काल कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोक को लोकांतर में भटकता रहा है, परंतु इसे कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहाँ यह निर्भय हो रहे। आज बड़े भाग्य से आपके चरण बिंदु की शरण मिल गई है। अतः अब यह स्वस्थ होकर सुखी नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इससे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुष के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मा, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। ये वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू मनु मन्वंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था ऋषि और ये वासुदेव सूतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्र का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। हरे नमः। तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा वायु धाम शीत उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्रणाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पी कर रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं ही इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों के कोई संबंध नहीं था। तुम्हारे कोई संतान भी न थी इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँ से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील स्वभाव उदारता और अन्य गुणों से मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं ऋषि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर तुम दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वासुदेव हुए कश्यप। उस समय
भी मैंने तुम्हारा पुत्र मैं उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देवकी, तुम्हारे तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में भी तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य ही होती है। मैं तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो आए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतारों की पहचान नहीं हो सकती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव एवं निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए और उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका ग्रह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया के माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रियां वृत्तियों की चेतना हर ली थी। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी ग्रह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जो ही उसके निकट पहुंचते, त्यों ही वे सब दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहार छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी। इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम के को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया और वासुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वासुदेव ने उस कन्या को देवकी के सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बीड़िया डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई, परंतु वे न जान सके कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरा योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्याधेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्याधेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्याधेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। जय जय महादेव। जय जय महादेव। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। ओम नमः इति।